हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास गंगवार स्वागत करता है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर्स पढ़ाने वाला हूं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, कैसे हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम वर्ग को दर्शाते हैं। आज ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा मानना है अगर आप लोगों को अपनी मैथ्स को अच्छा करना है, अपनी कैलकुलेशन पावर को फास्ट करना है, तो आप लोगों को हर हाल में स्क्वायर्स आने चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि भाई टेबल्स याद होने चाहिए। अगर टेबल्स याद हैं, अगर स्क्वायर्स याद हैं, तो आप लोगों की मैथ्स बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी और भी अच्छी हो जाएगी। तो माय फ्रेंड्स, कम से कम यार 50 तक तो टेबल्स आप लोग याद रखें। और आज मैं आप लोगों को, आपका विकास भाई आप लोगों को स्क्वायर्स याद कराने वाला है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 50 तक। मेरे साथ याद कर लेना है, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। 1 से 50 तक के स्क्वायर्स हर हाल में याद होने चाहिए। क्योंकि भाई अगर मेरे स्टूडेंट से कोई पूछता है कि यार 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो एक सेकंड में आंसर दे पाए 361। 20 का स्क्वायर क्या होता है, वो एक सेकंड में बता पाए 400। उसको सोचना ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो 7th का हो, चाहे वो 12th का हो, और चाहे वो ग्रेजुएशन का हो। इवन भाई आपकी डेली लाइफ में, आपकी होल लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है स्क्वायर्स। तो माय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए मेरे साथ क्या होता है स्क्वायर्स। तो मैंने ये लिखा आज का अपना टॉपिक स्क्वायर्स, जिसको हम वर्ग कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर्स क्या होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे माय फ्रेंड्स को, ए का स्क्वायर, ए का वर्ग, जिसको मैंने क्या बोला माय फ्रेंड्स, ए रेस टू पावर 2, कि भाई ए की घात कितनी है, 2 है। और इस पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको 2 बार लिख दो और साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो स्क्वायर का मतलब ही यही है दोस्तों, कि भाई किसी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसको 2 टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार उसी नंबर को अपने आप से गुणा कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर्स आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और अब भाई 1 से 50 तक के स्क्वायर क्या होंगे वो देखिए, 1 by 1 याद करिए मेरे साथ। तो मैंने ये लिखा माय फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 into 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। तो मेरे कुछ भाई यहाँ पर कह रहे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, ये तो मजाक है, ये तो बिल्कुल लड्डू है, ये तो हमें भी आता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप लोगों को भी आता है। 1 से 10 तक के स्क्वायर्स के जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा। प्रॉब्लम तो जब आती है जब हम 11 के बाद पूछते हैं। जब हम पूछते हैं भाई 22 का स्क्वायर क्या होगा, सोचने लग जाते हैं। तो भाई अब सोचना नहीं है, याद करना है। किसके साथ? अपने विकास भाई के साथ, अपने विकास सर के साथ। क्योंकि अगर मैथ्स पढ़नी है मेरे साथ तो इतना तो करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर लिख लो यार। अब 11 से कहां तक, 50 तक। क्योंकि अब है असली प्रॉब्लम, अब आई है असली कहानी स्क्वायर्स की। तो ये देखिए भाई, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169,
14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो ये हमारे कंप्लीट होगा स्क्वायर्स कहां तक, 20 तक। अभी कहां तक जा रहा है, 21 से लेकर 50 तक। तो नाउ लेट्स मूव टू द 21 का स्क्वायर। 21 का वर्ग देखना है हमें, 21 का वर्ग क्या होगा। तो 21 का स्क्वायर माय फ्रेंड्स 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने 30 तक। पूरे के पूरे 50 तक स्क्वायर्स एक ही स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक पल में 1 से 50 तक के स्क्वायर हम लोग याद कर लेंगे। तो नाउ 31, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर 1600। तो माय फ्रेंड्स ये हो गए कंप्लीट स्क्वायर्स कहां तक, 40 तक। अब सिर्फ कितने रह गए, 41 से लेकर 50 तक, और ये स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। लिखते हैं स्क्वायर्स 41 से लेकर 50 तक। 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 1936, 45 का स्क्वायर 2025, 46 का स्क्वायर 2116, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401 और लास्ट वन 50 का स्क्वायर 2500। तो माय डियर फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर दिए स्क्वायर्स 1 से लेकर 50 तक विद इन 5 मिनट्स। आप सब लोगों को अब याद कर लेना है, स्क्वायर्स बिल्कुल टिप्स पर हो जाने चाहिए 1 से लेकर 50 तक, प्रॉमिस करना है मुझे। हाँ विकास भाई, बिल्कुल हम याद करेंगे स्क्वायर्स 1 टू 50 तक और अपनी मैथ्स को बिल्कुल फास्ट बना देंगे, सुपर फास्ट बना देंगे। ओके तो माय फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ मेरा आज का लेक्चर। स्क्वायर्स मैंने आप लोगों को बता दिए, वर्ग मैंने आप लोगों को समझा दिए और 1 से 50 तक ये स्क्वायर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो भाई चलता हूं आज, फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप सबको मेरा धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।